माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए देश के आधार स्तंभ बेटियों कन्या का पूजन किया जा रहा है। हम जोरदार तालियों के माध्यम से इन कन्याओं के प्रति अपने सम्मान के भाव को प्रस्तुत करें, क्योंकि बेटियां परियों का रूप होती है, कड़कड़ाती ठंड में सुहानी धूप होती है, बेटियां चिड़ियों की चहचहाट होती है, वो निश्चल खिलखिलाहट होती है, उमस में होती है शीतल हवा की तरह, बेटी वो ताकत है जो देश की आधार स्तंभ होती है, बेटियां एक सुखद एहसास होती है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की आधार स्तंभ बेटियों का पूजन कर आज के इस कार्यक्रम के मूल स्वरूप को गति प्रदान की जा रही है। क्या बेटियां हम सबके जीवन का सशक्त आधार होती है, अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं देश की आधार स्तंभ है बेटी। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा हमारे देश की इन सशक्त आधार स्तंभ बेटियों का पूजन कर किया जा रहा है। तत्पश्चात वे सभी हमारे साथ इस मंच पर होंगे। हम हमारी तो लीजिए इंतजार की घड़ियां समाप्त और आपके बीच मंच पर हैं परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से हमारे सभी सम्मानी जनों का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिएगा। जबलपुर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन, तालियों में वो गूंज होनी चाहिए, वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए जो सौगातें मिल रही है मध्य प्रदेश को। मैं अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करने का कष्ट कीजिएगा। अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन दीप की हर बाती साक्षी है, बेहद शांत सौंदर्य आनंद व प्रकृति के साथ साथ हर क्षेत्र में राजमार्ग राष्ट्रीय मार्ग के विकास एवं स्वर्णिम पायदान पर पहुंचने की चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश ऊर में, देश प्रदेश सशक्त हो बड़े जय घोष के स्वर में। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता और संस्कृति का अलौकिकता का प्रतीक है, परम इससे प्रार्थना की युक्ति है। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती जी और रानी अवंतीबाई जी के चित्र पर पुष्प समर्पित करें। रानी दुर्गावती बहादुर गढ़मंडला की शान थी, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली रामगढ़ की रानी, अमर शहीद वीरांगना रावण रानी अवंतीबाई लोधी जी। हम नमन करते हैं उस शक्ति को, उस महिला शक्ति को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के मार्ग को अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक समर्पित करते हुए अपना बलिदान दिया। वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, सिंह की हुंकार थी, वो शत्रुओं का संहार थी, अदम्य साहस से वीरता एवं बलिदान की अमर नायिका रानी दुर्गावती महान थी। अंग्रेजों से लेहा लेकर डटकर लड़ाई थी, निज धरती अभिमान शान सम्मान से जोत जलाई थी, मातृभूमि की आन की खातिर अवंतीबाई लोधी लड़ी बलिदान हो गई। और इन दोनों नारियों को समर्पित कर हमारे अतिथि अपने निर्धारित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति का यही बहुवर्णीय विचार अतिथि को मांस भगवान स्वागत सत्कार करे मेजबान। स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पुष्पगुच्छ शॉल और हमारे सम्मान के सत्कार के प्रतिमानों का जो कि 22 जनवरी को एक नया अध्याय जोड़ा गया उसकी प्रतिकृति समर्पित कर सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के जोरदार तालियों से स्वागत का पल संजोना चाहिए। अनुरोध करूंगी माननीय राकेश सिंह सर से कि हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। आपसे मेरा सादर अनुरोध और अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश के ऊर्जा के अक्षय स्रोत हम सबके संबल पथ प्रदर्शक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत
आदरणीय राकेश सिंह सर से अनुरोध है कि शॉल श्रीफल हमारे स्नेक का पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतिमान के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं प्रभास साहू जी माननीय जिलाध्यक्ष शहर और सुभाष तिवारी रानू जी माननीय जिलाध्यक्ष ग्रामीण से अनुरोध करूंगी कि क्रमशः माननीय मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कीजिएगा पुष्पगुच्छ के माध्यम से। मैं माननीय अनुरोध करूंगी संयुक्त रूप से ही प्रभास साहू और सुभाष तिवारी जी से कि माननीय वीरेंद्र कुमार जी मंत्री भारत सरकार सामाजिक न्याय विभाग का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राकेश सिंह सर से कि माननीय वीडी शर्मा जी का स्वागत हम सब के स्वागत के प्रति मानो और पुष्पगुच्छ और शॉल श्रीफल के साथ करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रभात साहू जी और सुभाष तिवारी रानू जी से कि हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत शॉल श्रीफल पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतीक के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। आदरणीय प्रभात जी और आदरणीय सुभाष जी से ही अनुरोध आदरणीय राकेश सिंह मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगी प्रभात साहू जी और सुभाष तिवारी जी से ही कि माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का स्वागत हमारे स्नेह और सम्मान के समस्त प्रतिमानों के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं क्षेत्रीय अधिकारी मौर्य भोपाल आरपी सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि प्रथम पंक्ति में विराजित आदरणीय सांसद राज बहादुर सिंह जी आदरणीय कैलाश सोनी जी आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी आदरणीय हिमांद्री सिंह जी आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी आरपी सिंह सर और मुकुंद अकाड़े जी से मेरा सादर अनुरोध। मैं अनुरोध करूंगी प्रभात साहू जी और सुभाष तिवारी जी से कि जो कि जिलाध्यक्ष शहर प्रभात साहू जी और सुभाष तिवारी रानू जी जिलाध्यक्ष ग्रामीण से कि वे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। स्वागत का यह अभिनव भाव तालियों की गूंज इस भव्य परिसर में गुंजायमान होनी चाहिए। जोरदार तालियां हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी सम्मानित मंच के लिए। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अजय विश्नोई जी अशोक रोहाणी जी सुशील तिवारी इंदू जी अभिलाष पांडे जी नीरज सिंह लोधी जी संतोष बदखड़े जी के स्वागत के लिए आरपी सिंह सर और मुकुंद अकाड़े जी से कि क्रमशः वे सभी का स्वागत करें। मैं हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध करूंगी आरपी सिंह सर क्षेत्रीय अधिकारी मौर्य भोपाल क्षेत्रीय अधिकारी एनएचआई जबलपुर मुकुंद अकाड़े जी से कि वे मंच पर विराजित मैं अनुरोध करूंगी हमारे परियोजना निदेशक जबलपुर अमरलाल साहू जी से और कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूटी वी के खंडेलवाल जी से कि द्वितीय पंक्ति में विराजित हमारे महेंद्र नागेश जी दिनेश राय मुनमुन जी विश्वनाथ सिंह जी शैलेंद्र जैन जी कमल मर्सकोले जी प्रदीप लारिया जी ओंकार सिंह मरकाम जी विनोद गोटिया जी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी आदरणीय प्रभास साहू जी आदरणीय सुभाष तिवारी रानू जी आदरणीय कमलेश अग्रवाल जी आदरणीय रिंकू बिंद जी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी आदरणीय स्वाति गोडबोले मैडम का आदरणीय अंचल सोनकर जी का आदरणीय हरेंद्र जीत सिंह सर का स्वागत करें।
स्वागत के इस उपक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। पुष्पों हमारे स्नेह सम्मान के प्रतिमानों से स्वागत कर हुए हम अभिभूत मन के स्वागत के भावों को स्वागत वाणी में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धे राकेश सिंह सर, मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन को स्वागत भाषण हेतु ससम्मान आमंत्रित है परम श्रद्धे माननीय राकेश सिंह सर।